गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास टेंथ का पढ़ रहे थे और आज पढ़ना था हमें आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये क्यों बना? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत से मिलियन मिलियन कंपाउंड्स थे, तो जरूरी था कि एक रूल बने किस तरह से हम लोग नेमिंग करें। और आप लोगों के सिलेबस में मेन पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके का होता है, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब होता है कि उसमें अब और हाइड्रोजन हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी उस कंपाउंड में हाइड्रोजन फुल्ली सेटिस्फाई है, या आप लोगों की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हों। क्या हों? ओनली सिंगल बॉन्ड। आप लोग बड़े होंगे तो सिंगल बॉन्ड को पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो आप ये भी कह सकते हैं ऐसे सिग्मा बनता है, आप कह सकते हैं कि केवल सिग्मा बॉन्ड हो। और इसमें एल्केन आते हैं। एल्केन क्या होता है अभी बताएंगे, ये हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल है एल्केन। और चूंकि एल्केन अपने अंदर और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग पॉलीफिन्स। अभी हम बता रहे हैं उसको। एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है, तो इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, इसको बोलते हैं हम लोग ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। और इसको बोलते हैं पैराफीन। पैराफीन, पैरा माने लिटिल एफिनिटी, जिसमें किसी से जुड़ने की बहुत कम वो एफिनिटी। हम इसी एल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग एल्केन क्या होता है। आईयूपीएसी नेम, अगर मुझे बीच में कॉमन नेम बताना हुआ तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, आप लोग समझिएगा। तो आइए देखते हैं एल्केन। देखिए एल्केन में एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग बोलते हैं एल्क। और एन जो है एक सफिक्स है, और ये सफिक्स बताता है कि वो सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, कैसा कंपाउंड है वो ये बताएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है हमारा एल्केन। अब अगर हमें एल्केन जानना हो कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्केन है, तो आइए जरा देखते हैं। अगर मैं कहूं सी, यहां एच 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 एच, सी एच एच एच, सी सी एच 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 एच, सी एच एच एच। क्यों केवल एच ही लिख रहा हूं मैं? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अब जरा देखते हैं ये क्या है, कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये एल्केन है। एल्केन में क्या होना चाहिए? कार्बन हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो और केवल सिंगल बॉन्ड हो। क्या ये एल्केन है?
हाँ देखने में लग रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, केवल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप लोग याद करिए पिछले क्लास में हमने बताया था कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड, और इसमें कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड, तो एक बॉन्ड कम है ना, तो ये नहीं है एल्केन। ये एल्केन है क्या, हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन यहां क्या है, एक तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड एल्केन में नहीं होता। दूसरा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कार्बन के क्या कभी पांच बॉन्ड होते हैं, नहीं, तो इसलिए ये कंपाउंड भी एल्केन नहीं है। क्या ये एल्केन है, हाँ देखिए इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी, कितने बॉन्ड कार्बन के पास होने चाहिए, चार बॉन्ड, यहाँ है 1, 2, 3, 4, बिल्कुल है, इसके पास भी है। हाइड्रोजन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 1, ये भी बिल्कुल, ये हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन है। तो पहला काम है हम किसी तरह एल्केन पहचान लें, एल्केन कौन है, और फिर हम लोग उसकी नेमिंग करेंगे। तो ये है एल्केन। अब इस एल्केन की जब हम नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक, तो एक रूल होता है कि एक कार्बन के लिए कुछ नाम दें। अब फिर इसमें क्या लगाएंगे, एन, तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मिथ, और उसमें लिखते हैं एन, मीथेन गैस, आजकल सीएनजी गैस होता है ना, जिससे गाड़ी वगैरह चलती है उसमें यही आता है, तो मीथेन। तो हमें पता करना होगा, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, तो ये हमें पता करना होगा। तो आइए हम आपको बता दें, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड। तो रूट वर्ड उसको बोलते हैं जो एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए जो देख रहे हैं उसको हम लोग वर्ड रूट कहते हैं। तो आइए हम लोग जरा देखें कि वर्ड रूट या रूट वर्ड जो भी लिखा हो आपकी किताब में वो क्या होता है। रूट वर्ड, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, दो कार्बन को इथ, तीन कार्बन को प्रॉप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट। एक चीज और जानिए जरा, हम लोग जितने कार्बन हो, जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए कहीं पर क्लोरीन है और क्लोरीन है पांच क्लोरीन, तो हम लोग उसको बोलेंगे पेंटा क्लोरो, कहीं पर अगर दिया है चार क्लोरीन तो टेट्रा क्लोरो। तो साइंटिस्ट लोगों को एक जगह दिक्कत आई कि अब कितना बच्चे याद करेंगे, अगर दो तो डाई क्लोरो, तीन है तो ट्राई क्लोरो, चार है तो टेट्रा क्लोरो, पांच है तो पेंटा क्लोरो। तो अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग चार तक तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई इसको लिखेंगे बाई या डाई ट्राई टेट्रा। यहां से वो क्या किए कि जो रूट वर्ड था उसी में ए लगा देंगे, माने पांच कार्बन को क्या लिखेंगे, पेंट। अब पांच बार कोई चीज आए तो क्या बोलेंगे, पेंटा। छह को हेक्स, छह बार आए तो हेक्सा। सात को हेप्ट, छह बार आए, सात बार आए तो हेप्टा। आठ को ऑक्टा या ऑक्ट। नौ को नौना या नौ। दस को डेका। ग्यारह को अंडेक। बारह को डोडेक। तेरह को ट्राइडेक। अब इसी तरह से आप समझ रहे हैं, चार होगा तो क्या बोलेंगे उसको, टेट्राडेक। मतलब 14 को क्या बोलेंगे, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, समझ रहे होंगे आप। अगर 20 हो तो क्या बोलते हैं, अलग बोलते हैं आईकोस। क्या बोलते हैं, आईकोस या आईकोसेन। 21 हो तो अनकोस, अनकोसेन। 22 हो तो डोकोस, है ना। 20 तक आप लोगों के लिए जरूरत है, 10th वाले बच्चों के लिए, उसके बाद वैसे तो हम बता सकते हैं आप लोगों को 1000 तक,
है ना, लेकिन आप लोगों को 20 तक जरूरत है। एक्स्ट्रा वैसे जानना हो तो थोड़ा सा जान लीजिए, 10 तक आपकी किताब में दिया रहता है, 20 तक जो प्री फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। अब ये क्या है, 30 को क्या बोलेंगे हम लोग, 30 अगर आ गया तो क्या बोलेंगे, 30 को बोलेंगे ट्राइकोंट, ट्राइकोंटा, 31 को अनट्राइकोंटा, फिर दो ट्राइकोंटा ऐसे ही, अगर 40 आ गया तो टेट्राकोंटा, 50 को पेंटाकोंटा, इसी तरह अगर 100 आ गया तो हेक्ट, क्या बोलते हैं हेक्ट, हेक्टेन, 200 आ गया तो डिक्ट, डिक्टा, 200 को डिक्टा, 300 ट्रिक्टा, ऐसे करते जाएंगे। अगर 1000 आ गया तो किली, किलिया, 2000 डिलिया, 3000 ट्रिलिया, टेट्रालिया, पेंटालिया, जरूरत नहीं है उतना। तो हम लोग क्या जान गए यहां तक, 20 तक फिलहाल हम लोग जानते हैं कि 20 को क्या बोलेंगे, आइकोस। ये क्या हम बताने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर एक कार्बन है और चारों तरफ से हाइड्रोजन से अगर वो कार्बन घिरा हुआ है तो हम एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथ, और क्या लगाएंगे उसमें सफिक्स, सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स माने जो बाद में लगता है, एन, तो क्या बोलेंगे उसको, मीथेन। अगर दो कार्बन है तो इथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, इस तरह से लिखेंगे। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके। अब देखिए जरा हम लोग कंपाउंड बनाएं, देखें थोड़ा सा समझें कैसे लिविंग करते हैं। एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, कैसे जनरल फॉर्मूला बनता है जरा ये देखिए। हमने क्या कहा, ये एक कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। क्या कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, बिल्कुल हैं। हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के पास, वो भी है। तो ये एल्केन है, तो इसमें एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया था मिथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एन, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन। अगर दो कार्बन रहता तो यहां देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या ये कंपाउंड सही है, अब ये बार बार इसके बाद पूछेंगे भी नहीं कि सही है कि गलत है, क्योंकि अब मैं सही ही लिखूंगा, गलत लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो सही है। क्यों, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के पास चार चार बॉन्ड होने चाहिए, हाइड्रोजन के पास एक एक है। दो कार्बन के लिए क्या बोल लिखते हैं, इथ, और क्या लगाएंगे इसमें, सफिक्स एन, तो क्या होगा, इथेन। इसी तरह अगर तीन कार्बन हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आगे से मैं हाइड्रोजन भी नहीं लगाऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन हर जगह है। तीन कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बालक लोग, प्रोपेन, प्रोपेन, एक ब्यूटेन बस पर बता दे रहा हूं, फिर आगे से हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा। तो ये देखिए, ये हर जगह हाइड्रोजन है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो हर जगह हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के चार चार बॉन्ड है, सब चीज है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, आप तो कॉपी खोल के देख लीजिएगा इसके पहले जो लिखे हैं, ब्यूट, और क्या लिखेंगे साथ में, एन, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब देखिए कोई पूछे ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन हैं, तो एक फॉर्मूला लोग क्या बताते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2, ये क्या है, GF, GF माने जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। आप देख लीजिए कार्बन में कितने हैं, इसमें कितने कार्बन हैं, एक, तो यहां रख के देखिए फॉर्मूले में वन वन रखिए, फिर आप देखिए तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4, इसमें हाइड्रोजन 6, इसमें हाइड्रोजन 8, उसी के हिसाब से आएंगे, उस फॉर्मूले के हिसाब से। आप अगर कंपटीशन दें तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन
मे बी, और ऑप्शन देगा CnH2n+2, CnH2n, CN+1, H2n+4, CN-1, H2n। ठीक है, तो बच्चों को क्या लगता है कि हम तो पढ़े हैं CnH2n+2, किताब में हमारे दिया है, जबकि वो हकीकत में CnH2n+2 नहीं है। वो क्या बता रहा है, जितने कार्बन उसके दोगुना हाइड्रोजन प्लस टू, मतलब दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन। तो यहां जितने कार्बन है क्या उसके दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है? नहीं। यहां कितने कार्बन है? N+1, तो हाइड्रोजन कितना होगा? दोगुना से दो ज्यादा, कह सकते हैं कि नहीं? तो दोगुना से दो ज्यादा, आइए जरा देखते हैं, 2N+2 लिखेंगे और प्लस टू, तो क्या हो जाएगा? 2N+4 होगा, यानी ये भी फॉर्मूला सही है। क्या ये फॉर्मूला सही है एल्केन के लिए? आइए देखते हैं, कार्बन कितना है? इतना, तो हाइड्रोजन कितना होगा? दो गुने से दो ज्यादा, तो क्या लिखेंगे? 2N-2+2, 2 कैंसिल, क्या है 2N, ये आप लिखेंगे AcNDO और नन एक्सेप्ट B। तो कौन सा फॉर्मूला है? तो ऐसे हम देख सकते हैं। खैर, तो हम लोग क्या जान गए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और एल्केन, अब आपसे कोई कहे बनाने को कि ये बनाओ इथेन, आप तुरंत सोचेंगे इथ माने दो कार्बन, तो ऐसे दो कार्बन बनाएंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन बना देंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन कोई कहे तो क्या करेंगे, 10 कार्बन बना देंगे, कैसे? C, 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 और चारों तरफ हाइड्रोजन बना देंगे, ये हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा मीथेन से लेके डेकेन या 20 तक, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेमिंग करने, थोड़ा और समझने एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए, हम लोग ये समझ गए कि एल्केन का किस तरह से लिखेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कत आएगी। इसको मैं क्या कहूंगा जरा बताइए, अगर अगर हर जगह हाइड्रोजन हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे? मैं बना दूं क्या? हाइड्रोजन बना दे रहा हूं एक, बस ये लास्ट, इसके बाद नहीं बनाऊंगा, आप ऐसे देख लीजिए। ये क्या है? ब्यूटेन। 1, 2, 3, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। कितने कार्बन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 10। अरे ऐसे जोड़ लीजिए ना, कार्बन जितने हैं उसके दोगुना हाइड्रोजन, देखिए सब में दो दो दिख रहे हैं, अब प्लस टू एक्स्ट्रा वाला, तो इतने। अच्छा, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, क्या ये भी एल्केन है? ये सब हाइड्रोजन है, क्या ये भी एल्केन है? है। क्यों? कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड भी है, चार चार बॉन्ड भी है, और सारी चीजें जो हमने बताया था एल्केन के लिए वो ये बता रहा है। तो ये भी क्या है? ब्यूटेन। क्यों? चार कार्बन इसमें भी है, इसका भी फॉर्मूला यही है, अब जोड़ सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब ये होता है कि भाई ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, लेकिन दोनों थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट हैं भी। कैसे डिफरेंट हैं? क्योंकि दोनों के नेबर्स अलग अलग हैं, पड़ोसी अलग अलग हैं। आपने ये कौन सा बात है, पड़ोसी? जैसे मान लीजिए अगर मैं इस कार्बन को कहूं 1 और इसको कहूं 2, इसको कहूं 3, इसको कहूं 4, तो यहां 2 का पड़ोसी कौन कौन है? दो तरफ है हाइड्रोजन, और इधर है C1, इधर है C3, ये पड़ोसी है। लेकिन यहां अगर मैं कहूं ये 1 है और ये 2 है, इसको 4 कर दूं, तो अब यहां जरा बताइए, 2 वाले का पड़ोसी एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक तरफ C1,
एक तरफ C3 और एक तरफ C4 है ना, तो दोनों के पड़ोसी चेंज हो गए, देख रहे हैं आप, नेबरिंग एटम चेंज हो गए, दो दो तरफ से कार्बन से यहां कनेक्टेड है, यहां दो तीन तरफ से कार्बन, नाम एक ही है, ये भी ब्यूटेन ये भी ब्यूटेन। तो अगर वही नाम हो वही कंपाउंड हो उतने ही एटम्स हो लेकिन कनेक्टिविटी चेंज हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक ही मम्मी पापा हो और एक ही मम्मी पापा के दो बच्चे हो तो हम कहेंगे कि वो दोनों आपस में भाई हैं। हाँ अगर मम्मी पापा बदल गए तो फिर कजिन भाई तब बोलते हैं हम, चचेरे भाई मेरे भाई, लेकिन एक डिफिनीशन है कि एक ही मम्मी पापा के हैं तो दोनों भाई। उसी तरह से अगर ये फॉर्मूला भी सेम हो, सारा चीज सेम हो, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये इसका आइसोमर है, ठीक है आइसोमर। और इसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखिए जरा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। अगर आइसोमेरिज्म है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके दो भाई हैं, ठीक है कि दोनों भाई के फॉर्मूले सेम हो, सारा चीज सेम हो, कनेक्टिविटी तो नाम तो बदलेगा ही, कुछ ना कुछ तो नाम बदलेगा ना। आप ये भी कहिए नहीं दोनों का नाम एक्स 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 डैश करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो ये दोनों की नेमिंग अलग अलग होगी। आइए अब हम देखें एल्केन का नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग देखेंगे एल्केन का नोमेनक्लेचर। इसके पहले कि हम लोग एल्केन का नोमेनक्लेचर करें, आप लोगों को आज आप लोग क्या क्या सीखे एक बार समझ जाइए। हम लोग सीख गए एल्केन के कैसे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक, और आप लोगों को करना क्या है कि जितना हम लोग पढ़े हैं एक बार टाइप्स ऑफ कार्बन आपको याद होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री याद है टाइप्स ऑफ। या मैं ऐसा करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल रहता है ना उस डिटेल में हम क्या करेंगे आपको लिंक दे देंगे पिछले वाले क्लास का, तो आप लोग उस लिंक पे वहां जाके उसको भी खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, तो आपको ये भी बताना है कि कितने कौन कौन से कार्बन है और ये भी बताना है आपको कि इनमें कौन कौन आइसोमर है। जैसे हम कुछ कंपाउंड आपको दे दे रहे हैं, आपको बताना है कौन सा आइसोमर, इसमें कौन आइसोमर्स है, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और उसका जनरल क्या नाम हम लोग बोल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस में दे दे रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, केवल ऐसे लिखूंगा सी 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 सी। हाइड्रोजन हर जगह है, ठीक है हर जगह हाइड्रोजन है, सी 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 ऐसे इसको आप लोग नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ऐसे कुछ और मैं कंपाउंड दे दे रहा हूं। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कौन कौन से आइडेंटिकल हैं, पहला कि 1 2 3 4 कौन कौन से आइसोमर्स हैं, दूसरा तीसरा इसमें 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन कितने हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और इनके क्या नाम हो सकते हैं। क्या नाम मतलब मैं एक एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हैं, 5, तो क्या नाम होगा, पेंटेन। तो लेकिन अब पेंटेन में भी आईयूपीएसी नेम क्या होगा या किस तरह से आगे करेंगे ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।
तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी अगर उनका कमजोर हो थोड़ा सा बेसिक तो भी एक बार देख सकते हैं। हम लोग अभी अगले क्लास में इसको देखेंगे एलकेन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ठीक से। ठीक है, थैंक यू।